हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं। आज मैं चाय पी रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मासी आई है और ये मेरी दूसरी मासी है। जो पहले आपने देखी थी वो मेरी सबसे छोटी मासी थी और ये है मेरी बीच वाली मासी। आप देख सकते हो जो अद्विक को लेके बैठी है वो मेरी मासी है, और ये जो है साइड में बैठा है रेड टी शर्ट वाला वो मेरी मासी का बेटा है। और यहाँ पर माही सेम एडिटिंग कर रही है। माही कोई भी आता है तो माही क्या करती है, उनका मोबाइल लेती है, उनके पिक खींचती है और फनी एडिटिंग करती है और हमें दिखाती है और हमें हंसाती है। बस यही ही वो माही करती है। यहाँ पर देखिए मेरे एक्सप्रेशन देख के, उसका नाम गौरव है, मेरे भाई का नाम। बस हम लोग यहाँ पर भी बैठे हैं अभी हॉल में आके, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और फिर आराम से यहाँ पर बैठे थे, मज़े कर रहे थे। और यहाँ पर गौरव जो है मुझे टिकटॉक के वीडियोस दिखा रहा था, उसने जो बनाए थे, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता है टिकटॉक के। तो इसी वजह से आप उसे अगर फॉलो करना है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर GSM फैन 007 उसकी आईडी है, तो वहाँ पर आप उसे फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता है। वही वो मुझे उसके वीडियोस दिखा रहा था और हम लोग हंस रहे थे उसके वीडियोस देख देख के। तो इसीलिए मैं उसको चिढ़ा भी रही थी ऐसे वैसे। वो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह रखता है उसके वीडियोस के, तो मैं उसे चिढ़ा रही थी ये वीडियो वो वीडियो करके। तो यहाँ पर माही भी ईश्वरी के साथ वही उसके वीडियोस देख रही थी। और ये है बीच में जो बैठी है उसकी बुआ की बेटी है, अमृता नाम है उसका। और ये जो साइड में बैठी है वाइट टी शर्ट वाइट टॉप पहन के, सॉरी, तो वो है उसके चाचा की बेटी, ईश्वरी नाम है उसका। और वो बीच में जो बैठी है वो मेरी मासी है। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, बातें चली रही थी हमारी, काफ़ी देर तक हमने बातें की। उसके बाद हमने टिकटॉक वीडियोस बनाए, काफ़ी फनी वीडियोस बनाए हमने टिकटॉक के, और बहुत देर तक हमने टिकटॉक के वीडियोस बनाए, रिटेक रिटेक लेते गए रहते गए। और काफ़ी देर तक हमने टिकटॉक के वीडियोस बनाए। मासी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी हमारे वीडियोस देख देख के, मतलब हमारा रिटेक जब हम ले रहे थे तो काफ़ी बोर हो रही थी। और हमने फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। और हाँ, अद्विक का टिकटॉक वीडियो एक बहुत ही अच्छा बना है, मतलब फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया और काफ़ी अच्छा बना है। बच्चों ने जो है उसको घर के कपड़ों पे ही खड़ा कर दिया था और उसका वीडियो बनाया था, तो काफ़ी अच्छा बना है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो वीडियो। सबसे पहले आप उसके वीडियो की क्लिप देख लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। टिकटॉक पर फेमस होना है ना, तो खाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे, सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज लसडोने का बीच मेरे फावा करे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज है कौन सी 18 डेट है 18, और आज है संडे। तो अभी बज रहे हैं 12:30, 12:30 बजे व्लॉग स्टार्ट हुआ है। और हाँ, अब तक मस्ती चल रही थी, मेरी मासी आई है, मासी के बेटे मतलब, और मासी की जो देवर की बेटी वो सब लोग आए हुए हैं। तो इसी वजह से हम लोग मस्ती कर रहे थे, टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बना रहे थे अब तक। और टाइम ही नहीं मिला शायद, मतलब उन्होंने बोला मुझे कि जाओ नहा के आ जाओ ये लो। तो इसी वजह से मैं नहाने गई और अभी फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि अब तक मैं बैठी थी और अब तक हम लोग मस्ती कर रहे थे। सब लोग आ रहे हैं, ये देखिए मेरे मासी का बेटा। तो इसीलिए हम लोग मस्ती कर रहे थे। और अब बांधनी है मुझे इसे राखी, तो इसी वजह से वो कितनी देर से मुझे बोल रहा है कि जाओ 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 नहा के आ जाओ। ये देखो अभी भी इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पे। तो मैं आपको चुपके से दिखाने वाली थी कि ये लोग कैसे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये लोग सब लोग यहाँ पर आ गए हैं मेरा आवाज सुन के। ये है मासी का बेटा और ये है उसकी कजन कजन सिस्टर, और वो जो गई है उसके बुआ की बेटी है। और हाँ, मैंने ये ड्रेस पहना है, आपने देखा ही है। और चलिए फिर अभी जल्दी से राखी बांधते हैं, क्योंकि इन लोगों को जाना है गाँव और ये लोग टाइम पर ही आ जाते हैं यहाँ पे कभी भी। मैं इसको बोलती हूँ हमेशा, ये देखो मेरी मासी, ये है मेरी मासी, आपने आपने देख ही लिया ऐसे। अरे फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम तू पहला दस वीडियो यून रह ली ना। हाँ, तो वो जो पहले आप वीडियो में आई थी तो वो थी मेरी छोटी वाली मासी, ये बीच वाली है, और मेरी मम्मी जो है वो सबसे बड़ी है। देखिए ये अच्छा। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, और ये वेट कर रहे थे कि कब कब मैं तैयार होंगी और अद्विक
कब मैं तैयार हो जाऊंगी और कब इसको राखी बांधूंगी, तो चलो फिर राखी बांधते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं उसे राखी बांध रही हूँ। सबसे पहले मैं उसे टीका लगाऊंगी और इसके बाद अक्षत लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जब देखिए, आप ये जो भाई है मेरा सबसे फनी भाई है, यहाँ पर मैं जब हम देखिए यहाँ पर मैं रिंग निकालने गई और वो रिंग है ना दिए में फंस गई। बहुत हंस रहे थे हम दोनों भी, और काफ़ी ज़्यादा निकालने में उसकी कसरत हुई है। देखिए, मैंने जानबूझ के ये जो क्लिप है वो एडिट, मतलब एडिट करते टाइम डिलीट नहीं की। देखिए, कट नहीं की मैंने ये क्लिप जानबूझ के, और आप देखिए अभी मैंने निकाल दिए है और मैं उसको राखी बांधूंगी। और ये जो मोमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था हमारे लिए, हम लोग दोनों भी बाद में हंस रहे थे। और उसके बाद मैंने उसे राखी बांधी है और उसके बाद भी उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। आप देखिए कितना हंस रहा था, बार बार उसी चीज़ के लिए हम लोग हंस रहे थे। और अब देखिए मैं उसको राखी बांध रही हूँ, और सबसे लास्ट राखी थी मेरी ये, मतलब यही रह गया था राखी बांधने के लिए। बस उसके बाद मेरी मासी मतलब हर साल आती है राखी बंधवाने, क्योंकि मेरी मासी को भी बेटी नहीं है, दोनों बेटे ही है। तो ये दोनों मतलब हर साल राखी बनवाने आते हैं। तो एक वो पुणे में है पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया। और ये छोटा आ गया इस बार, ये भी मुंबई में था अभी तक पढ़ाई के लिए, तो इस बार अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी तो इसीलिए वो आ गया था। और उसके कज़न सिस्टर भी यहाँ पर रहती है, मतलब उसके चाचा जी यहाँ पर रहते हैं, तो इसी वजह से वो आ जाते हैं यहाँ पर राखी बंधवाने, क्योंकि मुझसे भी राखी बंधवा लेता है वो और ईश्वरी से भी, तो इसी वजह से दोनों काम हो जाते हैं यहाँ पर उसके, तो इसी वजह से वो आ जाते हैं यहाँ पर। और बस हम लोग राखी बांधने के बाद फिर और टिकटॉक वीडियोज़ बनाएंगे। और यहाँ पर वो मेरे पैर पड़ेगा आप तो, और आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए उसकी चाबी गुम हो गई थी गाड़ी के, इसी वजह से वो चाबी ढूंढ रहा था, हर जगह चाबी ढूंढ रहा था। अद्विक ने कहीं चाबी डाल दी थी उसकी गाड़ी की, तो इसी वजह से। और यहाँ पर जो है वो मासी जा रही है, सब लोग हमें बाय कर रहे हैं। उसके बाद हो गई बारिश, तो यहाँ पर आप देखिए अद्विक की अभी मस्ती, अद्विक ने काफ़ी मस्ती की बारिश में, और वो भीग भी गया पूरा। देखिए आप, वाइपर से वाइप कर रहा है पूरा जो पानी है वो। और यहाँ पर उसको भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश में, इसी वजह से जब भी बारिश होती है तब उसके मज़े ही मज़े होते हैं। कभी वो आप लोगों ने देख लिया, कभी क्रिकेट खेलते हैं बारिश में, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो पिछले बार ऐसे ही हुआ था, इसी वजह से उनकी तबीयत शायद उसी की वजह से, पता नहीं किस वजह से ख़राब हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर भी ये मानता नहीं है, देखिए बारिश होने के बाद ये इसको क्या हो जाता है पता नहीं, बहुत मस्ती करने लगता है। और देखिए इधर की उधर, उधर की इधर जा रहा है देखिए। सो गाइज, मासी वगैरह चली गई है और काफ़ी, हाँ ये लग रहा है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। अभी शांति शांति सी लग रही है घर में, और हम लोगों ने इतनी मस्ती की आज, हम लोग मतलब जब भी हम लोग मिलते हैं बहुत सारी मस्ती करते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम लोग टिकटॉक वगैरह बनाने लगे, और मासी जो है बोर हो रही थी काफ़ी देर तक, वो अकेली बैठी थी और हम लोग टिकटॉक बनाने लग गए थे। काफ़ी सारे वीडियोस बनाए टिकटॉक के, बट वो उनके अकाउंट पे अपलोड किए हुए हैं। और बस अभी वो लोग चले गए हैं और मैं आ गई हूँ घर में, तो अभी चलिए बाकी के काम करते हैं और बाद में मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, आंटी चली गई थी, उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद बारिश हो रही थी, आपने बारिश की क्लिप तो देख ही ली। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बात करती हूँ, और अभी बारिश जो है वो रुक गई है, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी आपसे बात करती हूँ। तो मुझे सडनली याद आया कि आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा आपको नेल पॉलिश कलेक्शन देखना है, सो इसीलिए मैं आज आपके साथ ये नेल पॉलिश कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके साथ नेल पॉलिश कलेक्शन शेयर करती हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा तो नेल पॉलिशेस है नहीं, क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं किया है कि मुझे कोई स्पॉन्सर, मतलब कोई जो कंपनीज है वो नेल पॉलिश है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेंड करें, तो इसी वजह से जो भी है वो मैंने अपने पैसों से परचेस किए हैं। तो जो भी है ब्रांडेड हो या नहीं हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन। सो गाइज, ये है मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन, और है मेरा नेल पॉलिश का बॉक्स। सो आप इसमें देख सकते हो नेल पॉलिशेस है मेरे पास अभी, और तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, कभी मैं कहीं जाती हूँ तो इसे साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि वो नेल पॉलिश रिमूवर साथ में लेके जाने का फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कभी वो गिर गिर जाता है, तो इस वजह से ये वाला जो नेल पॉलिश वाइप है वो मैं लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये कलर बार के ही नेल पॉलिश शेयर करूँगी।
ये है, ये वाला शेड मैंने पहले लिया था, और ये जो तीन शेड है अभी मैंने ऑर्डर किए थे, आपको मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि मैंने ये नेल पॉलिशेस ऑर्डर किए हैं तीन। तो इसमें से ये शेड जो है वो मैंने अप्लाई किया था राखी वाले वीडियो में, और ये जो शेड है वो मैंने राइट नाउ अप्लाई कर रखा है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो ये वाला शेड है वो। और ये वाला जो शेड है वो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो, और ये वाला शेड आपने देख लिया पहले मैंने ऑर्डर किया था, ये भी अप्लाई कर रखा है मैंने। तो ये हो गए चार कलर बार के नेल पॉलिशेस, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आपके साथ ये सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और लॉन्ग लास्टिंग है, और इसकी शाइन आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी शाइन। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये, मतलब ये जो नेल पॉलिश है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसी वजह से मैंने ये तीन शेड और ऑर्डर कर दिए थे। तो ये हो गए कलर बार के नेल पॉलिशेस। अभी आते हैं फेसेस कनाडा पे। तो ये है दो शेड मेरे पास फेसेस कनाडा के स्लैश के। तो पहले ये शेड मैंने ऑर्डर किया था इस वाले नेल पॉलिश के साथ, आपने देख ही लिया है। उसके बाद मैंने ये शेड ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ये भी शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था उसमें देखने के बाद, तो इसीलिए मैंने ये शेड ऑर्डर किया। और इसका सिमिलर शेड मेरे पास और है एक, तो ये है एलेटिन का। तो ये एलेटिन की है एक, और ये फेसेस कनाडा की दो है। तो ये है एलेटिन की। और इसके बाद आते हैं ये है क्विनी की, ये भी एक मैंने पूना के मॉल से ली थी, और ये भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जो नाम है वो क्विनी है, आप देख सकते हो क्विनी। तो ये नेल पॉलिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और उसके बाद आते हैं वेट एंड वाइल्ड की नेल पॉलिश पे। तो ये वाइट कलर की है नेल पॉलिश, अगर आप फ्रेंच नेल पेंट अप्लाई करते हो तो फ्रेंच नेल पॉलिश आप लगाते हो तो उसमें आपको ये काम आएगी। तो ये वाइट कलर की है। और उसके बाद ये है डैजलर की, डैजलर ब्रांड का आपने नाम सुना ही होगा। तो ये है डैजलर की, और एक है मेरे पास डैजलर की, तो ये है वो। ये नेल पॉलिश डैजलर की है, ये मैंने ऑफलाइन ली थी एक्चुअली। तो ये मैंने दो नेल पॉलिशेस डैजलर की ली थी, ये एक छोटू सी है और एक बड़ी है। फिर आते हैं एनवाय बेस पे। तो एक दो तीन चार पाँच सात आठ, और एक थी शायद वो कहीं मैंने रख दी है, तो और एक है नेल पॉलिश इसकी, तो वो मैंने कहीं रख दी है। तो ये नौ नेल पॉलिशेस है मेरे पास NYB की, और इसका जो सेपरेट रिव्यू है वो मैंने अपने माई स्टाइल एंड टिप्स चैनल पे अपलोड कर रखा है। इसके स्वेचेस एंड सारा कुछ, इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैंने अपने माई स्टाइल एंड टिप्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है इसके स्वेचेस एंड ऑल तो आप उस पर देख सकते हो। उसका लिंक आपको, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और आपको जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए हैं नेल पॉलिशेस उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, जो मैंने ऑनलाइन लिए है वही। तो ये है सारी NYB के, और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, पूरे मैट नेल पॉलिशेस है ये, और एक भी ग्लॉसी नहीं है इसमें, सारे मैट नेल पॉलिशेस है और काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअली इसकी एक खासियत है कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, कहीं हमें बजाना होता है और सडनली हमें याद आया कि हमें नेल पॉलिश अप्लाई करना है, हम ये नेल पॉलिश अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से सूख जाती है और बिल्कुल इंस्टेंट ड्राई हो जाती है ये नेल पॉलिश। ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये जब भी मैं अप्लाई करती हूँ बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, और जब भी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होता है और मुझे लगता है कि मैं जल्दी से नेल पॉलिश चेंज करूँ तो मैं यही वाली नेल पॉलिश अप्लाई कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, दूसरा आते हैं फिर ये वाली, ऐसी मैंने लोकल मार्केट से ली थी लिया की, तो ये भी अच्छी है, इसका भी शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शायद 50 वगैरह रुपीज़ की ली थी, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली और शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शाइन काफ़ी ज़्यादा करता है ये। उसके बाद ये ली थी मैंने
ऐसे ही लोकल मार्केट से ही ली थी ये हल्की। अगर आपके साइड में अगर ये मिलेगी तो आपका परचेस कर सकते हो। ये बाय वन गेट वन फ्री है और काफ़ी ज़्यादा ये भी अच्छी है। और ये जो दो शेड लिए हैं मैंने, ये बहुत ही प्यारे शेड है और शाइन इतने ज़्यादा करते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल मिल गई थी, मतलब बाय वन गेट वन थी तो 50 रुपीज़ में मैंने एक ली थी तो उस पर मुझे ये फ्री मिल गई थी। मतलब कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हो, एक लोगे तो एक फ्री था। तो मैंने एक ब्लॉग में आपके से शेयर भी किया था ये वाले दो नेल पॉलिशेस, तो ये मैंने ली थी तो उस टाइम ये मैंने परचेस की थी। और उसके बाद ये वाली ली थी मैंने रिलायंस ट्रेंड से, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये भी नेल पॉलिश मैट है और इसका भी जो शेड है वो इससे सिमिलर ही है बट लाइट शेड है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये जो नेल पॉलिश है वो ज़्यादा शाइन करती है, ये पूरी मैट नेल पॉलिश है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे नेल पॉलिश, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद आते हैं ये वाली नेल पॉलिश पे। ये मैंने 12 का सेट लिया था, एक्चुअली ये 12 का सेट है इस तरह से, आप देख सकते हो ये पूरा 12 का सेट है और काफ़ी ज़्यादा प्यारे कलर है इसमें। ऑल शेड आपको इसमें मिल जाएंगे, वाइट से लेके सारे शेड, ब्लैक से लेके सारे शेड आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये मैंने 12 का सेट लिया था, एक्चुअली मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था 12 का सेट। और ये भी काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, ये सारे शेड काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, काफ़ी प्यारे शेड हैं इसमें भी। और हाँ, सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग कम है, थोड़े मतलब 2-3 दिन ही रहते हैं, ज़्यादा दिन रहते नहीं है। बट अब अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो ये 12 नेल पॉलिशेस हैं मेरे पास इसके, तो ये मैंने पूरा सेट ही लिया था इसी वजह से। फिर आते हैं ये गाला ऑफ लंदन की नेल पॉलिश है ये वाली, तो ये भी शेड काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, पिंकिश शेड है इस तरह से, पिंकिश शेड है ये, मतलब थोड़ा डार्क पिंक में से आता है। तो ये वाली जो नेल पॉलिश है वो गाला ऑफ लंदन की है, ये वाली भी ब्रांडेड है। और ये वाली भी रिलायंस ट्रेंड से ली थी, तो ये ब्लैक नेल पॉलिश है रिलायंस ट्रेंड की। तो ये मैंने रिलायंस ट्रेंड की आपको ये दिखाई थी, तो ये वाली जो नेल पॉलिश है वो मैट है और ये छोटी है, इसी में से साइज छोटा है, बट ये नेल पॉलिश जो है वो ग्लॉसी है, तो इस तरह से ही है ब्लैक कलर की। फिर एक और नेल पॉलिश है मेरे पास एलेटिन की, ये एलेटिन की कलर पॉप, तो ये वाला जो शेड है वो लाइट पिंक कलर है, एकदम पीच कलर, आप देख सकते हो एकदम लाइट पीच कलर है ये। फिर हम लोग आते हैं तो ये वाले वी की है, ये ऐसी ही है, मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी। तो ये भी शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी शाइन करता है। इसकी ये वाली शेड की एक साड़ी है मेरे पास, उसी पर ये मैंने मैचिंग ली थी, तो एक ही बार मैंने अप्लाई की है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास येल्लो कलर है बट येल्लो कलर जो है वो नेल पॉलिश में ब्रांडेड नहीं है, तो ये ऐसी ही है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी। और उसके बाद ये जो है ये क्राउन की है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी, ये भी अच्छा शेड है, मतलब 50 वगैरह रुपीज़ में आपको मिल जाती है ऐसे वाले जो शेड है, मतलब ऐसे वाले जो नेल पॉलिशेस है। फिर ये वाली जो है ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी बट ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसका जो नाम है आप देख सकते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेड है, मतलब कॉपर में शेड है ये, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर है ये भी लोकल मार्केट से ही ली थी, ये ऑरेंजेस शेड है। फिर ये है ब्लैक कलर की, ये भी लोकल मार्केट से ही ली है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और फिर ये है गोल्डन शेड, ये भी लोकल मार्केट से ही लिया था और ये ऑनलाइन ली थी।
ये बॉन्जर पेरिस की है कुछ तो भी, ये पूरा जो ग्लिटरी है तो वो है इसका। अगर लिंक मुझे मिल जाए तो मैं आपको दे दूंगी। फिर ऐसे ये छोटे छोटे से है, कहीं किसी में मिले हैं, शायद किसी चीज़ में मिले हैं मुझे, तो ये है। और फिर ये है टॉप कोट नेल पॉलिश का। फिर ये है कुछ नेल आर्ट बनाने के लिए वाइट कलर का। और फिर ये ऐसी ही है लोकल वाली रेड कलर की। और ये भी ग्लिटरी है थोड़ा सा शेड, ये भी है ग्लिटरी शेड, ज़्यादा महंगे नहीं है। ये डॉप की है, ज़्यादा महंगे नहीं है। और ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये भी शेड ऐसे ही है, एक बार अप्लाई करो और बस यूज एंड थ्रो वाली है ये भी। तो बस इतने हैं ये मेरे पास। सो गाइज आई होप आपको ये मेरा छोटा सा नेल पॉलिश कलेक्शन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और हाँ, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़, मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड टिप्स की वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है या कोई क्वेश्चंस आपको मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।